जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्रकारों से आज बातचीत की और कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए से मिलकर सरकार बनाई है वो अच्छी तरह से चल रही है और चलती रहेगी। ये तो सवाल है, हमको तो लगता है कि मीडिया के साथी जो लोग हैं ये लोग का ही एजेंडा है तरह तरह के जो है ना कुछ भी करने का। आप लोग इसमें इतना बेधिरज क्यों हो रहे हैं? अभी सरकार की नई सरकार की गठन हुई है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 9वीं बार उन्होंने शपथ लिया है और एनडीए सरकार उनके नेतृत्व में गठन हुआ है, तो आप अभी देखें कि मंत्रिमंडल के 8 मंत्रिमंडल के मंत्री सदस्य उनके सहयोग में शपथ लिए हैं। जल्द ही जो है अन्य भी जो उनका विशेष अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है कि कब किनको शपथ कराएंगे। तो ये सवाल जो है, आप लोग माने सरकार अच्छे ढंग से चल रही है, अच्छे ढंग से चलेगी। उन्होंने कहा कि ये आप ही लोगों का एजेंडा है कुछ का कुछ कह देने का, सरकार अच्छे से चल रही है और आगे भी अच्छे से चलती रहेगी। आप इतना ही जानिए कि जो एनडीए की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठन हुआ है वो पूरे सब चीज पर हर चीज पर बात हो गई है। अब देखते जाइए ढंग से सब चीज हो जाएगा, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मांझी जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार को, निर्दलीय विधायक को 3-3 बार मंत्री बनाया जा रहा है और वो 2 मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। हमने तो नहीं सुना है, हमने नहीं देखा है ये वीडियो, इस तरह की बात मांझी जी कह रहे हैं। हमने ये तो कोई भी हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के साथी है, कोई उसका प्लेटफॉर्म होता है उस पर अपनी बात रखते हैं, समझे। हम हवा हवाई बात नहीं करना चाहते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते इस बिंदु पर, समझे। और आप जान लीजिए सब लोग आपस में बैठ के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उस पर बैठ के सब हमारे घटक दल के सभी नेता आपस में तय कर लिए हैं और जल्द ही वो मुख्यमंत्री जी का ये तो विशेष अधिकार है, जल्द ही उसका निर्णय हो जाएगी, जल्द ही होगी। एक पत्रकार के ये पूछने पर कि क्या नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो उन्होंने हंसकर बात को टाल दी और कहा आप लोगों को सवाल पूछना ही नहीं आता है। भाजपा मांग कर रही है गृह मंत्रालय का, बार बार वो वहां से आ रहे हैं गृह मंत्रालय। ये आपको मालूम है भाजपा मांग कर रही है इसे? आ नहीं, नहीं, इसका कोई जवाब है? ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इस तरह का क्वेश्चन हम तो संगठन से जुड़े हुए संगठन की बात करिए, ये तो आपका क्वेश्चन ही बेकार हो रहा है। ये सब कोई ऐसा क्वेश्चन है आपका, समझे। कब गठन होना है, कब सरकार हमको चलाना है? बेहतर ढंग से सरकार चल रही, सरकार चलेगी 10वीं बार भी नहीं, नहीं इसके लिए आप चिंतित नहीं हुई है। और इस सब सवाल पर हम जवाब नहीं देते हैं, सरकार ढंग से चल रही है, सरकार चलेगी, आगे बेहतर होगा, देखते जाइए। 10वीं बार भी क्या नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं क्या? 10वीं बार आश्चर्य होता है आप लोग पर, नहीं जी।